Yes, the Akshins also here to perform a skit. Welcome, Akshins. There was a great Ayodhya king named Harichandra who never lied and always kept his promise. Once Vishwamitra challenged that he will make Harichandra to break truth. After the cunning plan of Vishwamitra, Harichandra, a man true to his word, left his kingdom. After all great problems, Harichandra did not give up his truth and his duty. Harichandra and his family passed the test. They had demonstrated great virtue and righteousness. All the gods blessed them. Come, let's see how Harichandra undergo all difficult tests and proved Satyameva Jayate. Patra, Indra, Vashish, Vishwamitra, Harichandra, Chandramadi, Rohit, Mantri, Rishi, Kalkaushik, Viruchandal, Lok, Aur Sainik. Scene 1. Devlok mein Indra Sabha. एक बार इंद्र सभा में चर्चा हो रहे थे। इंद्र ने वशिष्ठ से प्रश्न किया, वशिष्ठ जी, क्या कोई आपका शिष्य है जो सत्य के मार्ग पर चलता हो? सूर्य वंश के राजा हरिचंद्र ही ऐसा शासक है। वशिष्ठ जी, यह कदापि संभव नहीं। मैंने सत्य कहा। नहीं, आपने असत्य कहा। किसी भी मानव को एक कार्य असंभव है। नहीं, हरिचंद्र सत्यवादी है। किसी भी समय में अपना सत्य से नहीं हटेगा। अगर मैं सिद्ध कर दूं? नहीं हो सकता। मैं घोषणा करता हूँ कि हरिचंद्र को असत्य स्थापित करूँ नहीं तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं। Scene 2. अयोध्या का राज्यसभा। गुरुजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। दीर्घायुष भव। सभासद, आज राजकुमार रोहित का जन्मदिन है। वशिष्ठ जी, राजकुमार रोहित को जन्मदिन को मनाएंगे। राजन जुग जुग जीवो। जन्मदिन की शुभकामनाएं, भगवान कृपा करें। तीनों दान देते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया बाबा। अब विश्वामित्र आते हैं। ऋषि जी, आइए, आपकी क्या सेवा करूं? हरिचंद्रा, मैं तुमसे दान लेने के लिए आया हूँ। मुझे बहुत स्वर्ण चाहिए। मुनि जी, मैं बहुत खुश हूँ। आपको जो चाहिए खजाने से ले लीजिए। बहुत अच्छा, जब चाहिए तब लूंगा। अभी मैं जाता हूँ। चलो, हम राजकुमार रोहित का जन्मदिन को मनाएंगे। मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा पाले, चले घर रंग जमा दे, हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांदर तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। Oh!
राजन जंगल में शिकार करने जाता है। वहां विश्वामित्र तप कर रहे हैं। अचानक एक स्त्री के आवाज के कारण मुनिवर का तप में भंग होता है। वह बहुत क्रोधित होता है। राजन माफ मांगता है। माफ कीजिए मुनि जी, आप लोग मेरा तप भंग कर दिया, मैं शाप दूंगा। नहीं ऋषिवर, आप जो चाहिए मैं देता हूँ, शाप मत दीजिए। तुम्हारा राज्य मुझे दे दो। जरूर मुनिवर। सोच लो अच्छी तरह, पहले ही स्वर्ण देने की वचन दिया। हाँ मुनिवर, याद है, मेरा राज्य और धन दोनों देता हूँ। आजकल सब देने की तैयारी करो, मैं आऊंगा। सीन फोर। अयोध्या का राज्यसभा। राजा हरिचंद्रा, मैं आ गया हूँ। स्वागत है ऋषिवर, मैं सभी कर दिया, आप मेरे राज्य और धन दोनों ले लीजिए। सब सारा आभूषण उधर कर देते हैं। महामुनि, आपको और क्या चाहिए? आप कौन इस राज्य का राजा? आप है महामुनि। फिर चले जाओ तुम्हारा पति और पुत्र के साथ एकांत से। तीनों जाते हैं। राजा सुनो, तूने मुझे स्वर्ण देने की वादा किया, कहा है वो? मुनि वे सब खजाना में है। अब मैं गूंग राजा, तब कैसे तुम खजाने से स्वर्ण दोगे? हाँ मुनिवर, मुझे सिर्फ एक महीना समय दीजिए, आपका धन दूंगा। अवश्य। तीनों चले जाते हैं। सीन फाइव। काशी नगर बाजार में। बहुत दिन भटकने के बाद तीनों काशी नगर पहुंचे। काशी नगर के द्वार में ही विश्वामित्र खड़े थे। हरिचंद्रा, तुम्हारा ऋण चुकाने का अंतिम दिन गया आज, तुम वचन नहीं दिया कहो, मैं चली जाऊंगा। मुनिवर, मैंने वचन दिया, मैं असत्य कैसे कहूँ? आज शाम के अंदर मैं अपना ग्रंथ देता हूँ। स्वामी, मुझे और राजकुमार को बेचकर ग्रीन दे दीजिए। काशी के बाजार स्थल पर जाकर चंद्रमदी और रोहित को बेचता है। एक आदमी घर के काम करने के लिए दोनों को खरीदता है, उसे दिया धन से आधा ऋण ही चुकता है। अब हरिचंद्र स्वयं बिकता है, उन्हें एक चांडाल खरीदता है। अब हरिचंद्र स्मशान में काम करता है, चंद्रमदी घर में काम करती है। एक दिन रोहित सांप काटकर मर जाता है। रोहित शव को लेकर चंद्रमदी श्मशान आती है। वहां चांडाल वेश में हरिचंद्रा दहनकारी के लिए कर मांगता है। सीन सिक्स। तुम क्या कर रहे हो? श्रीमान, यह मेरा पुत्र है, उसके अंतिम संस्कार करने दो। नहीं, तुम्हें कर देना चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारा पति कौन है? अयोध्या का राजा हरिचंद्र। हे भगवान, क्या ये मेरा पुत्र रोहित है? मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये सच है? पर चंद्रमदी, तुम्हें कर देना चाहिए, क्योंकि मेरा यजमान को कर देना चाहिए। चंद्रमदी स्वामी के घर जाते समय एक चोर चुराया धन उसे देकर बच जाता है। मासून चंद्रमदी काशी राजा वीरों से पकड़ा जाता है। उसकी मृत्यु दंड को देने के लिए उसे स्मशान ले आते हैं। स्मशान सेवक हरिचंद्र को चंद्रमदी का हत्या करना पड़ता है। सीन सेवन। राजन रुको, तुम महाराजा हो, तुम क्यों कष्ट उड़ते हो? पुत्र जीवित उठेगा, पत्नी मुक्त हो जाएगी, एक बार कहो, मैं वचन नहीं दिया। नहीं मुनिवर, मैं सत्य से नहीं हटूंगा। टकर जाओ हरिचंद्रा,
अब तुम्हारी सभी कष्टों को अंत हुआ, तुम महाराजा हो। वशिष्ठ जी, मैं पराजित हुआ। मुझे पहले ही मालूम है कि राजा हरिचंद्र सत्यवादी है। विश्वामित्र जी, इस घटना से राजा हरिचंद्र का नाम अयोध्या में मीम नहीं सारे संसार में अमर हो जाएगा। अयोध्या का राज्यसभा। शुभ दिन को मनाएंगे।